सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक नन्हा हाथी जन्म के तुरंत बाद चलने की कोशिश करता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नन्हा हाथी जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, जन्म के तुरंत बाद ही वो चलने की कोशिश करते नजर आ रहा है। उसे देख लगता है कि उसका चलने का बहुत मन है, लेकिन अभी वो इतना छोटा है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा। इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को ट्विटर हैंडल पर सुशांत नंदा ने 15 फरवरी की रात को शेयर किया, जिसे अब तक कई लोग देख चुके हैं और अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इंसानों के बच्चों को भले ही जन्म के बाद बैठने और चलने फिरने में एक दो साल का वक्त लगता हो, लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं है। उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद बैठना सीख जाते हैं और कुछ ही देर बाद चलना भी। हालांकि इस दौरान उनके पैर लड़खड़ाते हैं और कई बार वह जमीन पर गिर भी जाते हैं। उसके बाद उनकी माँ उनकी मदद करती है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी का एक बच्चा जन्म के बाद चलने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन उसके पैर इतने ज्यादा कमजोर है कि वह बहुत मुश्किल से उठ पा रहा है। जैसे ही वह उठकर चलने की कोशिश करता है, वो मुंह के बल गिर जाता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने इसके कैप्शन में लिखा, पहला कदम 1000 मील के बराबर होता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं, जिसमें हाथी गिरने के बाद फिर से उठने की कोशिश करता है। बच्चा ऐसे गिरता है कि उसकी सूंड सीधी जमीन में आकर लगती है। यकीनन इस दौरान हाथी के बच्चे को चोट जरूर लगी होगी। इस वीडियो को सुशांत नंदा ने जब से शेयर किया है, लोग लगातार इस वीडियो को अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर रहे हैं, जिसे अब तक 1000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं कई बार इस वीडियो को रीट्वीट भी किया गया है। इसके अलावा तमाम यूजर्स ने इस वीडियो पर अलग अलग तरह के कमेंट्स किए। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।